हे हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत करते हैं अंश कुशवा आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं शायद, मैंने 2 दिन से कोई स्टडी ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि हो ये रहा था कभी मैं कैमरा ऑन करना भूल जा रहा था, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जा रहा था, या तो फिर कुछ काम में भी बिजी हो गया था, जिस वजह से कि स्टडी भी पूरे प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। बट हाँ, इस चीज़ का एक फ़ायदा भी हुआ, जैसा कि खुद का कुछ रूटीन्स में चेंजेस किए मैंने। खुद का जो शेड्यूल था उठने का, सोने का, या फिर लेट नाइट स्टडी सेशन को मैंने फिर से शुरू करा। अब जैसा कि देखो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, जो रूटीन आप बनाते हो हमेशा वो फॉलो भी नहीं हो पाता है। रूटीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आगे चल के आपको देखने को मिलते हैं, फेस करने को मिलते हैं, और उसके बाद फिर ज़रूरी होता है कि आप उसमें कुछ चेंजेज करो। तो वही चेंजेस मैंने भी अपने रूटीन में करा। जैसा कि मेरा रूटीन चल रहा था सुबह उठने का, और फिर सुबह 6-7 बजे तक से, मतलब ऐसे तो रूटीन में था 5 बजे से कंटिन्यू करने का, बट हो नहीं पा रहा था, थोड़ा ना थोड़ा लेट हो ही जाता था। अब जैसे कि सुबह का एक टारगेट सेट किया, सुबह में पढ़ने बैठे, फिर दोपहर में, फिर शाम में अपना पढ़ाई किया, उसके बाद फिर जब रात हुआ टारगेट कम्प्लीट ही नहीं हुआ है, उसके बावजूद सोने जाना पड़ता था। अब बेड पर तो चले गए सोने जाने के लिए, बट यही सोचते सोचते कि टारगेट कम्प्लीट नहीं हुआ है, कल सुबह कैसे करना है, ये वो सोचते सोचते फिर टाइम निकल रहा था। तो फाइनली सोचे कि देखो भाई, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही बेड पे आने का। तो इसलिए पापा से बोले कि पापा यार नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ परमिशन दे दीजिए लेट नाइट के लिए। पापा भी फाइनली मान गए, काफ़ी दिनों के बाद, आई थिंक 2-3 हफ्ते के बाद पापा मतलब ऐसे माने हैं। बोल तो बहुत पहले से रहे थे कि सुन लीजिए, बट सुनते ही नहीं थे। बट फिर ठीक है, अब फिर रूटीन में चेंजेस किए। अब दिक्कत ये भी आने लगा कि हैबिट हो गया था फिर जल्दी सोने का, तो कहीं ना कहीं नींद भी हल्का हल्का आ रहा था, बट फिर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ। बट फिर फाइनली खुद को एडजस्ट करने का सोचे, और अब लेट नाइट स्टडी सेशन भी चलेगा, इन द सेंस कि जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसा टाइम फिक्स नहीं रहेगा, और एकदम पूरा फिक्स प्रॉपर टाइम हम नहीं बनाने वाले कि हाँ इतने देर में ब्रेक करेंगे, इतने देर पर ये करेंगे, या फिर कुछ भी, सब कुछ मतलब नहीं बता सकते, नहीं कुछ क्लियर कर सकते हैं। वो जैसे जो टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक्स भी होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम भी सोने के लिए जाएंगे, ओके, और सेशंस को भी एंड करेंगे, सब उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं रखना है मेरे को, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। खैर, अब इन सारी बातों को भी हटाते हैं। तो कल मैंने क्या क्या करा, कल का डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। अब आप जान सकते हो, मतलब बताना चाहते हैं तो जान ही जाओगे ऑब्वियसली। अब देखो, कल ना हम फिजिक्स का मेरा रे ऑप्टिक्स कम्प्लीट हो गया। अब रे ऑप्टिक्स कम्प्लीट हो गया, फिर उसका क्वेश्चंस लगाना शुरू किया। उसमें पहले तो एंड में जो पार्ट था लेंस वगैरह का, टेलीस्कोप से ज़्यादा नहीं, माइक्रोस्कोप, इसके अलावा फिर जो फर्दर लेंस का जो पार्ट था एंड पार्ट, तो उन सबसे पहले क्वेश्चंस बनाए। उसके बाद फिर ओवरऑल मॉड्यूल्स को निकाले, मतलब जो PW का मॉड्यूल है, मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाना शुरू किए। इसके अलावा फिर DPP भी हम पूरी तरह से सॉल्व नहीं किए हैं, तो फिजिक्स का DPP बनाना शुरू किए। तो फिजिक्स का कुछ DPP बनाया, कुछ नहीं बनाया, फिर उन सब का आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद फिर बायोलॉजी का भी बोटनी लेकर के चल रहे थे, जूलॉजी भी शुरू करेंगे जल्दी ही। अभी रूटीन थोड़ा ट्रैक पे नहीं आया था ना, अब ट्रैक पे आ गया है। अब दोपहर में भी जल्दी नींद नहीं आ रहा था, थोड़ा सा नींद आता है, 5 मिनट का नैप लो फिर बात ख़त्म। हाँ, कभी कभी 5 मिनट का नैप थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाता है, बट ओके है, तो सब कुछ मैनेज हो रहा है। इसके बाद फिर फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। हाँ, बायोलॉजी में बोटनी है, तो बोटनी में थोड़ा सा पॉज हो गया था पिछले कुछ दिन में, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री का भी लास्ट ईयर का जो था वो थोड़ा सा, मेरा मतलब कंप्लीट नहीं बोलेंगे, एक तरीके से गड़बड़ था, इसलिए केमिस्ट्री को हम इस बार थोड़ा सा अच्छे से लेकर के चलना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस भी कर रहे थे कि उसके लेक्चर्स जो भी हैं उसको रिवीजन, नोट्स तो ऐसे बने हुए हैं और सेम लेक्चर्स को भी हम अटेंड कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा जो भी कंसेप्ट थे जो मैं दिमाग से निकल चुका है वो सब रिकॉल हो जाएंगे, वो सब रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स को कर रहे हैं अटेंड। उसके बाद फिर नोट्स को रिवाइज करते जा रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस अभी भी मिल रहे हैं जो कि उस टाइम पे डाउट में थे, या फिर उस टाइम पे थोड़े से नहीं बन पा रहे थे, गलत हो रहे थे, वो क्वेश्चंस अभी भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो इन सब से कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रैक्टिस होते जा रहा है, और साथ में केमिस्ट्री के बाद में फिर बोटनी में लेकर के चल रहे थे, तो भाई बोटनी का थोड़ा सा बीच में छूट गया था, बट ओके, बोटनी का अब स्टार्ट करेंगे, आज से बोटनी को लेकर के फिर से वापस से शुरू करने का सोचे हैं। बोटनी में जो पॉज मार दिए हुए थे फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से, अब बोटनी को भी साथ में कंटिन्यू करेंगे, और ये तीनों भी जब ट्रैक पे आ जाएगा
इसके बाद फिर लेक्चर्स जूलॉजी का भी स्टार्ट करेंगे, जूलॉजी का नोट्स रिवीजन, जूलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सबको भी, क्योंकि धीरे धीरे हैबिट बनाओगे तो फिर ठीक रहेगा। एक ही बार पे चाहोगे कि हाँ भाई पूरा पहाड़ उठा ले तो कहीं ना कहीं मुश्किल भी होगा और नहीं भी होगा, और फिर आगे जो चल करके आपको डिप्रेशन होगा, परेशानी होगा कि अरे यार मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, वो अलग होगा, एक्स्ट्रा ऑफर में होगा। तो इसलिए हम उस चीज़ को थोड़ा सा हर साइड किया। अब इसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एकदम साथ में लेकर के अब चलने का पूरा फुल प्लान है। अब आज से स्टार्ट होगा, आज तो अभी तक जैसा कि अभी रिकॉर्ड जिस टाइम पे कर रहे हैं अभी तक फिजिक्स के मेरे 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुद में इंस्पायरिंग भी है कि अच्छा लगता है यार इतने सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब 100 क्वेश्चंस के टारगेट रखे हैं, 100 क्वेश्चन फिजिक्स में, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और बोटनी में तो अभी 100 क्वेश्चंस नहीं होगा, मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं, बट चाहते हैं कि हाँ भाई टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, उसके बाद ही फिर स्टार्ट करें। तो इसलिए अभी तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आज 100 क्वेश्चंस का टारगेट है। इसके बाद फिर केमिस्ट्री में आज एक लेक्चर का टारगेट है, केमिस्ट्री में वही लेक्चर का टारगेट है बेसिक कंसेप्ट में। उसके बाद फिर फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स जैसा कि कंप्लीट हो चुका है, तो रे ऑप्टिक्स के बाद में और फिर वेव ऑप्टिक्स में आ रहे हैं, तो इस तरह से मेरा ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा इसी मंथ के एंड से पहले। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स में इंटर कर चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो ही जाने वाला है, 4 लेक्चर हैं उसमें। हाँ बट हाँ यही, उसके लेक्चर्स के ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबे लंबे, 3.5 घंटे का लेक्चर है एक, फिर बाकी सारे लेक्चर ऑन एवरेज 2 घंटे के हैं, तो अप्रॉक्स आई थिंक कि इसमें 5 डेज कम टाइम लेंगे। और इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 दिन लेंगे उधर, और फिर ओवरऑल ऑप्टिक्स का पूरा चैप्टर का क्वेश्चंस मॉड्यूल से, और फिर इसके अलावा जो मेरे पास साइड बुक है चैम्पियन ऑफ फिंगर टिप्स, उन दोनों से भी फिर लगाएंगे। तो ओवरऑल ये सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान वे में लेकर के हम चल रहे हैं, और आप लोग भी अगर शेड्यूल सेट नहीं किए हो तो आई थिंक कि आप लोगों को भी शेड्यूल सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल सेट कर लोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका पूरा सिलेबस कब तक एंड होने वाला है, और फिर एक टाइम ड्यूरेशन एक बंध जाता है कि हाँ भाई आज मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि मेरा अगर आज का काम हम आज नहीं करते ना तो कल को जा करके मेरा ये टाइम बढ़ने वाला है, ये टाइम कहीं ना कहीं फिर हमको अगले दिन पर लेकर के जाना पड़ेगा। और मेरा ऐसा चल रहा है कि मेरे को जनवरी एंड तक कैसे भी फिर से सारा का सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि जो भी मेरे को रीड करना है या फिर रिविज़न करना है या फिर जो भी हम अभी के प्रेजेंट टाइम पर हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको जनवरी एंड तक कैसे भी। और तो और इसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही चीज़ सब रखने वाले हैं। हाँ आई नो कि काफ़ी लोग जो मेरे कांटेक्ट में आए, हम उनको सजेस्ट किए कि जनवरी तक कंप्लीट करना भी ज़रूरी नहीं है, आप आराम से मार्च तक में आप करो और फिर उसके बाद का टाइम आप लो। तो मेरा एक बार कहीं ना कहीं हो चुका है कंप्लीट, इस वजह से फिर हम जनवरी या फिर दिसंबर तक में रख रहे हैं। बट आप लोग ऐसा मत करो, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, वो लोग इस चीज़ को प्रेशर लेकर के मत करो, ठीक है? तो ओके, तो फाइनली अब इस वीडियो में और तो कुछ खास है नहीं बताने के लिए, जितना कुछ था कल के बारे में फिर आज के बारे में वो बता चुके हैं। हाँ रूटीन का बात करें तो खाना पीना ये वो, उसका वीडियो हम कर ही नहीं पाते हैं तो फिर वो शो ही नहीं करते हैं, बट हाँ कभी ऐसा हुआ सिचुएशन बना तो फिर उसको भी ज़रूर शो करेंगे। और तो और बाई लक आज गणेश चतुर्थी है और तो इस वजह से पूरे जगह पे माइक्स बंधे हुए हैं और उसमें से साउंड निकल रहा है, और अभी जस्ट रिकॉर्ड करने बैठे और फिर सारे के सारे स्पीकर्स ऑफ हो गए। तो ओके, शायद भगवान भी चाहते थे हम जल्दी से ब्लॉग अपलोड कर दें। ओके तो चलिए ठीक है, थैंक यू। और हाँ न्यू सेटअप मेरा कैसा लगा बताना ज़रूर, पूरा ब्लड से एकदम भर दिए हुए हैं। ओके चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय नहीं टाटा।